वहीं रीवा में समाचार कवरेज करने अस्पताल पहुंचे मीडिया कर्मियों से डॉक्टर ने जमकर अभद्रता की। अस्पताल में डॉक्टर के अनुपस्थित रहने की खबरें मिलने के बाद मीडिया कर्मी कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन देखा स्थित संजीवनी क्लिनिक के डॉक्टर ने अंदर जाने से मना कर दिया। डॉक्टर ने पत्रकारों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सर आ जाएंगे, अवकाश में हैं, उनके आ जाने पर मैं उनको बुलाऊंगा और वहाँ पे इस विषय में सब चर्चा। आपका पत्रकारिता का कार्ड दिखा दीजिए, कौन सा दिखा है? नहीं, पहले आप दिखाइए ना। हम दिखाएंगे, पहले आराम से बात करिए। आप आराम से बात करिए, आप क्यों बार बार आके एक ही चीज के लिए परेशान करते हैं? आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी परेशानी दी गई है क्या? नहीं, क्या परेशान करते हैं आपको? इनका वीडियो बनाओ यार, इस विषय पे इनका वीडियो बनाओ। इनको पत्रकारिता का किसने अधिकार दिया इस तरीके से कि आके हर बार डॉक्टर को आके परेशान करते हैं? ठीक है, आप बनाइए ना। इस विषय पे जो भी निर्णय करना वो अंतिम अथॉरिटी हमारे जिले के सीएमएचओ सर हो, उनके समक्ष आप अपना प्रस्तुत करें। जैसा भी हो आप सीएमएचओ के समक्ष प्रस्तुत करें, निर्णय करने का अधिकार। अभी किसी महिला की बात आ रही, किसी महिला को कोई परेशान किया है क्या? कोई छेड़ने का? नहीं, अभी तो हमारे सामने ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। जिसकी वजह से हर कोई डॉक्टर क्या करके छोड़ता जा रहा मालूम है। ठीक है, इन लोगों को बस यही जम रहा है। ये देखिए डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा, ये देखिए ये जो भी हैं, ये पत्रकारिता करते हैं, अपना न्यूज चैनल चलाते हैं और सिर्फ आके परेशान करते हैं। नहीं, कितनी बार आपसे मैंने पैसे की मांग की है, कोई प्रमाण है? नहीं तो क्या आपको मैं प्रमाण देने यहाँ बैठा हूँ? डॉक्टर बैठा नहीं, आप पैसे रोज जाके यहाँ पे बोलते हैं सब कुछ करिए, रोज बताइए। नहीं करूंगा मैं, जो दवाइयाँ नहीं लिखूंगा प्राइवेट की दवाइयाँ। रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते रहिए भाई, वाइट दे दीजिए, आगे आ जाइए, वाइट दे दीजिए, वाइट दे दीजिए ना, दिक्कत है आपको। अधिकारी कहाँ है जो आए हैं, उनसे भी बात। इस विषय आप हैं अधिकारी, कम से कम संज्ञान होना चाहिए। सरकार इनको वेतन देती है, हमसे टैक्स लेती है, दादागिरी के लिए नहीं देती है। बिल्कुल, हम दादागिरी नहीं करता है, दादागिरी करता, पत्नी दोनों का करके यही क्लिनिक चलाते हैं। मेरी बात ये है, मैं आया हूँ विजिट करने की संस्था जो है शिफ्ट होने वाली है, इस संस्था में डिसमेंट होने वाली, नगर निगम ने इसको डिसमेंट कर दिया, इसको करने वाली कहाँ से होना है उसको देखने के लिए आया। क्या सवाल पूछना क्या डॉक्टर के मतलब देख रहे हैं? देखिए आप अधिकारी हैं, आप निरीक्षण में आए, आपके सामने भत्ता कर रहे थे, तो क्या जरूरी है कि ये पहले भी ऐसा करते रहेंगे? हम लोग इसके डॉक्टर की इस बदतमीजी पर आप कोई कदम उठाएंगे? जो भी हमारे इसके ये बताइए, एक पत्रकार यदि सरकारी व्यवस्था पर गलत हो रहा है, सवाल पूछना गलत है। ये सब कहना ये है कि जो भी है जिले के बहुत पुलिसों से उनके थ्रू जो भी आएगा राज्य स्तर पर उसको एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो इस तरीके का व्यवहार आपने भी देखा क्या, पत्रकारों से अभद्रता की गई यहाँ पे? आप तो यही मौजूद से देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग अंदर तक नहीं आए आपके, हम बाहर हैं, पानी गिर रहा है, इसलिए इसके बावजूद भी अंदर नहीं आए। अब वो जो जो स्थिति क्या है, ये तो लोकल उसके पास मात्र एक है कि मेरी महिलाओं इनकी महिला स्वयं कभी ड्यूटी नहीं गई है, सिरमौर में कभी नहीं गई, वेतन सरकार इनको मुफ्त वेतन दे रही है। हमको पता नहीं क्या, रीवा में हम भी रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप भी रहते हैं, अधिकारी है। नहीं, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, अब किया है ना, अब किया है। इतने साल भर वेतन लेने के बाद जब बातें उठने लगी मीडिया में, तब उन्होंने किया। हेलो, बना लो बेटा, आउटसोर्स के हो तुम्हें, तो बस ड्यूटी करते हो, तो कोई करता नहीं है, बना लो।